नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, इस बार श्रावण अधिक मास की अमावस्या 15 अगस्त और 16 अगस्त दोनों ही दिन है। इस दिन झाड़ू से जुड़ा एक आसान सा उपाय आप जरूर करें। इस उपाय को करने से जीवन में आ रहे सभी कष्टों से मुक्ति तो मिले ही, साथ ही पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होगा, पितृ दोष दूर होगा। भगवान लक्ष्मी नारायण और भोलेनाथ की कृपा से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी, जन्म जन्मांतर की गरीबी मिट जाएगी। दोस्तों, श्रावण अधिक मास की अमावस्या इस बार 15 अगस्त दिन मंगलवार को है। श्रावण अधिक मास अमावस्या के दिन स्नान दान और तर्पण इत्यादि कर्म करने से सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है, साथ ही जीवन में आ रही कई प्रकार की समस्याओं से भी छुटकारा मिल जाता है। यह दिन काल सर्प दोष निवारण की पूजा के लिए भी बहुत खास होता है। इस दिन पीपल वृक्ष का पूजन करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और सुख समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान शिव पर कनेर का फूल चढ़ाने से व्यक्ति को कई प्रकार के शारीरिक कष्टों से छुटकारा मिलता है। भगवान शिव पितरों के प्रधान माने गए हैं, ऐसे में महादेव पर जलाभिषेक करने और उन्हें शमी के पत्ते बेलपत्र अर्पित करने से जीवन में आ रहे कष्ट दूर होते हैं, साथ ही पितरों का भी आशीर्वाद मिलता है। भगवान श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी जी पितृ देव हैं और अधिक मास भी भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है, इसलिए इस दिन भगवान विष्णु का विशेष रूप से पूजन करना चाहें। ऐसा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको अमावस्या के इस शुभ अवसर पर करने वाले कुछ बहुत ही आसान और असरकारक उपाय बताने जा रहे हैं। इन उपायों को करने से भगवान लक्ष्मी नारायण की असीम कृपा प्राप्त होती है, सभी कष्ट और दोषों से छुटकारा मिलता है, करोड़पति भी करोड़पति हो जाते हैं, कंगाल भी धनवान बन जाते हैं, साथ ही पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, पितृ दोष दूर होता है, पितरों की कृपा से सभी बिगड़े कार्य बनने लगते हैं। दोस्तों, इन उपायों को सही प्रकार से करने के लिए आप हमारी इस वीडियो को एंड तक अवश्य ही देखें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट अवश्य ही करें, जिससे हमारी सभी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको फ्री में सबसे पहले मिल पाए। तो आइए दोस्तों, जानते हैं इन उपायों के बारे में। दोस्तों, अगर आपके बनते हुए कार्य बिगड़ जाते हैं, आपको किसी क्षेत्र में सफलता नहीं मिल रही है, आप पितृ दोष से पीड़ित हैं या शनि देव से संबंधित भी कोई दोष है, तो अमावस्या पर करें ये आसान सा उपाय। इस उपाय को करने के लिए अमावस्या के दिन स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद एक लोटे में शुद्ध जल लें, जल में थोड़ा सा कच्चा दूध मिला लें। अब जल में थोड़ी सी शक्कर या गुड़ डालें और थोड़े से काले तिल अवश्य ही डालें। अगर आपके घर में गंगा जल है तो गंगा जल भी आप इस जल के लोटे में डाल दें और एक सरसों के तेल का दिया बनाएं। अब इस जल के लोटे को पीपल वृक्ष के पास ले जाएं और पीपल वृक्ष पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए आप यह जल पीपल वृक्ष पर चढ़ा दें। जल चढ़ाने के बाद आप पीपल वृक्ष के नीचे रखकर दिए को जला दें। दिया जलाने के बाद आप पीपल वृक्ष की 11 परिक्रमा करें। परिक्रमा करते समय भी आप भगवान विष्णु जी के महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते रहें। दोस्तों, पीपल वृक्ष में भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी पितृदेव और शनि देव का वास होता है। अमावस्या पर इस तरह से पीपल वृक्ष का पूजन करने से भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी का भरपूर आशीर्वाद प्राप्त होता है, जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलने लगती है, पितृ प्रसन्न होते हैं और तृप्त होते हैं, पितरों के आशीर्वाद से बिगड़े काम बनने लगते हैं, साथ ही पितृ दोष भी दूर हो जाता है और शनि देव से संबंधित भी सभी दोषों में राहत मिलती है। दोस्तों, वैसे तो हर अमावस्या पर पीपल वृक्ष का पूजन करना चाहिए, लेकिन रविवार के दिन आने वाली अमावस्या पर भूलकर भी पीपल वृक्ष का पूजन ना करें। धन की देवी माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए अमावस्या की रात अपने मंदिर में एक थाली रखें
थाली पर कुमकुम से एक स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। फिर महालक्ष्मी यंत्र को स्वास्तिक के ऊपर रखें। महालक्ष्मी यंत्र ना हो तो आप माँ लक्ष्मी की प्रतिमा या तस्वीर को स्वास्तिक के ऊपर रखें। इसके बाद माँ लक्ष्मी के कुमकुम से तिलक करें, फिर अक्षत पुष्प अर्पित करें। इसके बाद एक शुद्ध घी का दिया जलाएं और किसी मिष्ठान का माता रानी को भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद माँ लक्ष्मी के इस मंत्र का 108 बार जाप करें। मंत्र इस प्रकार है, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः। इस तरह पूजन करने के बाद आप माँ लक्ष्मी से अपने घर में स्थिर वास करने की प्रार्थना करें। इस उपाय को करने से माँ लक्ष्मी का घर में स्थिर वास होता है और घर में सुख समृद्धि आती है। दोस्तों, अगर आपको धन संबंधी समस्या लगातार बनी हुई है, धन का लाभ नहीं होता, धन प्राप्ति के कोई मार्ग नहीं दिख रहे, या फिर धन घर में आता तो है लेकिन टिकता नहीं है, घर में अशांति रहती है, इन सभी परेशानियों को दूर करने के लिए और धन की देवी माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए अमावस्या की रात को झाड़ू से करें ये आसान सा उपाय। उपाय करने के लिए अपने घर के सबसे उत्तरी पूर्वी कोने को साफ करें। साफ करके जमीन पर एक लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। अब आप एक झाड़ू लें। इस उपाय को करने के लिए आप या तो नई झाड़ू लें या फिर ऐसी झाड़ू लें जिसका आप अपने घर में इस्तेमाल करते हैं। ध्यान रखें, आपको ऐसी ही झाड़ू लेनी है जिसका या तो आप अपने घर में अभी इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर बाद में इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल टूटी हुई बेकार झाड़ू से यह उपाय ना करें। झाड़ू लेकर इस झाड़ू को आप कपड़े पर लिटा कर रख दें। अब इसके बाद झाड़ू का पूजन करें। दोस्तों, झाड़ू माँ लक्ष्मी का प्रतीक रूप होती है। झाड़ू हमारे घर से गंदगी और दरिद्रता को दूर करती है। झाड़ू का पूजन करने के लिए मौली लेकर मौली को आप झाड़ू के हैंडल पर 3 बार लपेटें। लपेटने के बाद आप एक गांठ लगा दें। इसके बाद झाड़ू के हैंडल पर हल्दी कुमकुम से तिलक करें। फिर आप हाथ में हल्दी कुमकुम अक्षत यानी कि साबुत चावल और थोड़ा से पुष्प ले लें। अब इन सभी को आप झाड़ू के ऊपर छिड़कें। फिर आप झाड़ू के पास एक सुगंधित धूपबत्ती जलाएं। फिर धन की देवी माँ लक्ष्मी को प्रणाम करें और जय माँ लक्ष्मी का 11 बार जाप करें। जाप करने के बाद आप माँ लक्ष्मी से हाथ जोड़कर अपनी धन संबंधी परेशानी को दूर करने की प्रार्थना करें। घर में से गरीबी और दरिद्रता को दूर करने की प्रार्थना करें। प्रार्थना करने के बाद आप रात भर झाड़ू को कपड़े के ऊपर ऐसे ही रखा रहने दें। लेकिन दोस्तों, ध्यान रखें, अगर आपका उत्तरी पूर्वी कोना ऐसी जगह पर है जहाँ रात में आपकी निगाह झाड़ू के ऊपर पड़ेगी तो आप उस झाड़ू को किसी कपड़े से रात भर ढककर रख दें। फिर सुबह उठने के बाद आप झाड़ू को प्रणाम करें और झाड़ू को उठा लें। अब इस झाड़ू से आप सबसे पहले अपने रसोई घर में झाड़ू लगाएं। दोस्तों, इस उपाय को अमावस्या की रात को करने से धन की देवी माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और माँ लक्ष्मी की कृपा से धन संबंधी सभी समस्याएं जल्द ही दूर हो जाती हैं, घर में पैसा टिकने लगता है और धन का लाभ होता है। इस उपाय को करने के साथ साथ आप माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए कुछ बातों का भी विशेष ध्यान रखें। कभी भी झाड़ू का अनादर ना करें। झाड़ू को कभी भी पैर में ना लगाएं। झाड़ू से कभी भी जूते चप्पल ना सरकाएं, ना ही झाड़ू से किसी की पिटाई करें। किसी ऐसे स्थान पर भी झाड़ू ना रखें जिससे आपकी नज़र सीधे झाड़ू पर पड़े। इसके साथ ही घर में सफाई रखें, लड़ाई झगड़ा ना करें, महिलाओं और बड़ों का सम्मान करें। शास्त्रों में बताया गया है, जिस घर में महिलाओं का या बड़ों का सम्मान नहीं किया जाता, जहाँ लड़ाई झगड़े रहते हैं, जहाँ गंदगी रहती है, वहाँ माँ लक्ष्मी का वास कभी नहीं होता। इसलिए माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए इन बातों का विशेष ध्यान रखें। दोस्तों, अगर आपके जीवन में कई तरह की परेशानियाँ लगातार बनी हुई हैं, दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, तो
आप अमावस्या के दिन सुबह स्नान आदि करने के बाद साफ जल से आटा मारें। आटे में नमक या कुछ और ना मिलाएं। अब इस आटे की आप छोटी छोटी सी गोलियां बनाएं। आटे की गोलियां बनाते समय भगवान विष्णु जी के महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते रहें। आटे की गोलियां बनाने के बाद अब इन गोलियों को आप अपने घर के समीप स्थित किसी भी तालाब नदी में जाकर डाल दें। यह आटे की गोलियां आपको मछलियों के लिए डालनी है। माना जाता है इस उपाय को अमावस्या के दिन करने से दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है। भगवान विष्णु जी की कृपा से सभी परेशानियों का अंत हो जाता है। इसलिए दुर्भाग्य से पीछा छुड़ाने के लिए अमावस्या पर इस उपाय को अवश्य ही करें। इसके साथ ही दोस्तों अमावस्या के दिन सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। अमावस्या के दिन प्याज लहसुन अंडा मीट वगैरह का सेवन भूलकर भी ना करें। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें। हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।